अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद अरफात आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान। कराची में बना नया डिज़ाइन जो कि बहुत ही सुर्खियों में और चर्चाओं में सरे फहरिस्त है। सिंध हुकूमत ने किया कराची को एक मरतबा फिर से सरसब्ज और शादाब बनाने का फैसला। आप कराची के बोर्ड बेसन चौरंगी से ज़रूर गुजरे होंगे लेकिन आपने भरपूर तवज्जो या फिर नज़र भर के इस चौरंगी को नहीं देखा होगा। इस चौरंगी पे इतना नायाब और इतना खूबसूरत डिज़ाइन मुर्तज़ा वहाब ने लगवाया है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं इस डिज़ाइन को देखने के लिए और सिंध हुकूमत के इस इकदाम को सराहने के लिए। नासिर गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ पे वो ASI हैं, उनसे पूछते हैं डिज़ाइन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर मुझे ये बताना है कि ये जो डिज़ाइन है जो सिंध हुकूमत की तरफ से लगाया गया है, कैसा लगा ये डिज़ाइन आपको देख के? बहुत ही अच्छा लग रहा है और मेरा ख्याल है कि ऐसे डिज़ाइन तमाम चुरंगियाँ जो बड़ी बड़ी हैं वहाँ लगाने चाहिए और लोगों की मरकज़ बनेगा यहाँ देखने का और लोग आएंगे और बहुत अच्छा लग रहा है। कराची इज़ द बेस्ट और कराची रोशनियों का शहर है, कराची इज़ द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये चीज़ें उसके ऊपर लिखी हुई हैं और मुझे बड़ा मज़ा आया देख के। मेरा दिल है तमाम लोग आएँ और इसको देखें और ताकि उनका भी ज़ोक व शौक बढ़े। सर मुझे बताएं कि जहाँ पर जो पब्लिक इसको देखने के लिए आ रही है और यहाँ पर गंदगी भी मचा रही है, कचरा फेंक रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको अपनी इस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जिस तरह सिंध गवर्नमेंट और उसके साथ मतलब है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले हैं, वो सफाई के लिए उन्होंने बंदे लगाए हुए हैं, गाये बगाए करते भी रहते हैं और लोगों को भी एहसास होना चाहिए कि ऐसी खूबसूरत जगहों पर कचरा वगैरह ना फेंकें और अपने जिम्मेदारी का और अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दें। पाकिस्तान की आवाम को आप 14 अगस्त के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? 14 अगस्त के हवाले से मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने मुल्क से प्यार करें, मोहब्बत करें, अपने मुल्क को क्लीन रखें और अपने मुल्क का अपने हिसाब से राम रोशन करें। बोर्ड पेशन चौरंगी की इस यादगार डिज़ाइन को कुछ अल्फाजों से सजाया गया है, आइए चलते हैं और पढ़ते हैं वो अल्फाज। मेगा कराची, सिटी ऑफ लाइट, फर्स्ट कैपिटल कराची। कराची नाजरीन ये कराची का सबसे पहला नाम था, कराची के बाद नाम रखा गया कराची। इस यादगार डिज़ाइन पे ये लिखवाने का सिर्फ़ और सिर्फ ये मकसद होगा या सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि कराची वालों को कराची का पुराना नाम याद रहे जो कि था कराची। मुझे बताएं कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं, इस डिज़ाइन को देखने आए हैं या बोर्ड बेसन का सैर करने आए हैं? बस हम यहाँ से गुजर रहे थे तो ये डिज़ाइन देखा, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत ही है और बहुत अच्छा लग रहा है। इस डिज़ाइन को देख कर दिल में क्या ख्याल आता है थोड़ा सा बताएं लोगों को, और थोड़ा लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि यहाँ पर आके कचरा ना करें, कुछ बताएं लोगों को? बिल्कुल भाई, ये बिल्कुल हमें इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, कचरा नहीं करना चाहिए, ये बहुत हमारी खूबसूरती है। हम यहाँ आते हैं, पिक्चर बनाते हैं, बहुत अच्छी जगह है और कचरा भाई कोई गंदगी ना फैलाएं, इसमें हमारी अपनी नुकसान है, गंदगी ना फैलाएं भाई प्लीज़। सिंध हुकूमत को चाहिए कि इसी तरह शहर कायद को सरसब्ज और शादाब बनाने के इकदाम करती रहे ताकि सूबाई हुकूमत को सराहा जा सके। इन मनाजिर को देख के आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और क्या सिंध हुकूमत को इस तरह के और डिज़ाइन कराची की अलग अलग चौरंगियों पे लगाने चाहिए या नहीं। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त, देखते रहिए हक पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।